गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मेरे लिए आपके पास कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ बैड न्यूज़ है। चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे गुड न्यूज़ सबको पता चल गया होगा कि कल यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरी है। आई मीन दिस इज़ मतलब इतनी बर्फ़ गिरी है कि मैं तो इसमें नहा लूँ आज। और चलो व्लॉग शुरू करते हैं। बिफोर यू हिट द व्लॉग, बिफोर यू स्टार्ट द व्लॉग, डोंट यू फॉरगेट टू यू नो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ओके गाइस, तो बैड न्यूज़ ये है कि कल इतनी बर्फ़ गिरी है रात को कि यहाँ पे लाइट ही नहीं है। लाइट चले गई, पावर बैकअप के लिए डीजल भी ख़त्म हो गया, तो कुछ पावर है ही नहीं यहाँ पे। और गाइस, सबसे बड़ा बैड न्यूज़ ये है कि मुझे आज मनाली छोड़ के जाना पड़ रहा है। लाइक फाइनली आफ्टर 30 डेज आई एम गोइंग, 30 दिन हो गए मुझे मनाली में, लेकिन अभी तक जाने का मन ही नहीं कर रहा है यार। ऑनेस्टली आई एम वेरी मच इमोशनली अटैच टू मनाली। लाइक पता नहीं क्या है मेरा कनेक्शन, एक महीना हो गया। जनरली अगर आप एक महीना कोई जगह पे रहो तो यू गेट बोर्ड, लाइक आपको अपने घर की याद आती है। बट मेरा पता नहीं यार, आई डोंट फील लाइक गोइंग होम बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक। सॉरी, अंदर की इमोशन है, सॉरी। और अब बैड न्यूज़ बताता हूँ आपको मैं, आज का दिन ख़राब है। वेल गाइस, तो आते हैं आज के बैड न्यूज़ पे। बैड न्यूज़ ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे 30 दिन से हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए आया था, कुछ काम मतलब कुछ साइट सीइंग करने नहीं आया था, तो मैंने वैसे ही किया। बट आज जैसे मेरा लास्ट डे, तो मैंने कल सोचा कि एक वाटरफॉल है, डेट इज़ जोगनी वाटरफॉल। इतने सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ, इनके आज तक एक्सप्लोर नहीं किया उस वाटरफॉल को मैंने। तो कल सोचा कि क्यों ना आज जाकर उसे एक्सप्लोर करता हूँ। वो वाटरफॉल है वशिष्ठ कुंड के, कुछ 2-3 किलोमीटर का ट्रैक है वशिष्ठ कुंड से। सब प्लान बन गया, अच्छे से सो गया, सुबह उठा तो ये हाल है भाई साहब। अभी ऐसे में तो ना रिक्शा मिलेगी ना कुछ कैब, और कैब तो भाई साहब बहुत पैसा मांगेंगे ये। एंड ट्रैकिंग विल बी ऑल्सो डिफिकल्ट, सो या दैट कट्स डाउन माई प्लान। रास्ता कैसा है, ब्लैक आइस भरा पड़ा है, मिट्टी है, पर जूते की वाट लगी, मतलब वाट लगी है। गाड़ी बैक हो रही है ऊपर से, यहाँ पे पूरा ब्लैक आइस है, गाड़ी बैक हो रही है। सिर्फ जो 4x4 कार है वही चल रही है। अलग की वाट लग गई है, अलग की माँ बहन हो गई। इतना चल के आया हूँ, चल के जाना भी है। ठीक, लास्ट डे ऐसे होना था, हो गया। ये देखो, देखा आपने पूरा बर्फ जूते के अंदर। फक 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 फक। बाकी आग डीजल छोड़ के मजाक कर रहा है यार। कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, पर आई एम गोइंग समवेयर, लेट मी रीच, उसके बाद ही मैं बोलूंगा, वरना पोपट हो जाएगा। ऐसा मजाक में बहुत चल दिया, अभी और 3-3.5 किलोमीटर बचा है और मैं सिर्फ आपके लिए जा रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ नहीं कवर करूँगा तो मुझे दिल में ऐसा रहेगा कि आपको मैं कुछ दिखा नहीं पाया। एंड लास्ट डे है, आज काम थोड़ा कम, बिकॉज आज लेट्स जस्ट फॉरगेट सोक इनटू मनाली। एंड फिर पता नहीं कब आएंगे, शायद अगले साल आएंगे या फिर इसी साल आएंगे, पता नहीं, आएंगे ज़रूर। तो अभी दिखा देते हैं, कल हो ना हो। अपने रास्ता बंद है जोगनी फॉल्स के लिए, मैं ऑलमोस्ट बेस तक पहुंच गया, लेकिन ऊपर काफ़ी चढ़ाई है तो रास्ता बंद है। एंड आई डोंट नो वेयर दिस ईयर इज़ गोइंग टू रेन। इससे ख़राब दिन मेरा कभी नहीं गया है, इतना चल के आया, कम से कम 1.5 घंटा चल के आया एंड देन ऐसा हो गया, तो आज तो बैड लगी ख़राब है। फक, चलो मॉल रोड, चलो आई ट्राइड, बट इसी बात पर एक लाइक कर दो यार, सच्ची आया था। देखो इधर, यहाँ से जाकर वो
ट्रैक्टर जो दिखा था ना वो बर्फ निकाली थी सामान, वहाँ से और ऊपर 4 किलोमीटर है पर जाने दे नहीं रहे किसी को, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। नहीं तो सही, छोटा ही झरना दिखा दिया मैंने आपको, कुछ तो दिखा दिया। चलो अभी और 20 मिनट लगेंगे मॉल रोड पहुँचने के लिए। टाइम हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली 2। और बस चलते चलते हम पहुंच गए फिर से हमारे होटल की ओर। तो आज का व्लॉग शायद यही ख़त्म होएगा, बिकॉज कल का व्लॉग होने वाला है मेरा वॉल्वो का सफ़र मनाली टू दिल्ली का। आई एम सॉरी आज मैं वो चीज़ कवर अप नहीं कर पाया क्योंकि आप जानते हो, राइट। सो या आई होप यू लाइक इट, जितना छोटा सा व्लॉग था आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एन्जॉयड इट। आई एम अ बिट सैड बिकॉज़ आई टू लीव टू नाइट, तो यह जगह पैकिंग करना है। आई होप लाइट आ गई हो, तो आई विल कैच यू। बस ये कुछ आखिरी पल थे मनाली के। तो चलो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कैच मी ऑन माय इंस्टाग्राम स्टेटस 2.0 एंड या टेक केयर, बाय बाय।